क्या करूं, कैसे जाऊं मैं रघु से मिलने? अगर भाभी ने बाहर जाते देख लिया तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैं कहां जा रही हूं? क्योंकि सच तो मैं उन्हें बता नहीं सकती, उन्हें बुरा लगेगा। पर जब तक मैं सच नहीं जान लूंगी, मुझे चैन भी नहीं आएगा। मुझे कैसे भी कुछ भी करके रघु से मिलने जाना ही होगा। भाभी, अरे अनुपमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें रिद्धिमा की सगाई में जाना है ना? भाभी, मैं सोच रही थी कि ब्यूटी पार्लर जाकर मेहंदी लगा लूं। हाँ हाँ, बिल्कुल लगवाओ मेहंदी, तुम्हारी बहन की सगाई है। तुम मेहंदी नहीं लगवाओगी तो और कौन लगवाएगा? लेकिन इसके लिए तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है? एक काम करते, मैं एक मेहंदी वाली को जानती हूँ, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मैं फोन करके उसे घर पर ही बुलवा लेती हूँ, अच्छी मेहंदी लगा देगी तुम्हारे। हेलो, हाँ, सलमा, मैं भाभी बोल रही हूँ। तुम थोड़ी देर में आ सकती हो? वो मेरी देवरानी है ना, उसे मेहंदी लगवानी थी, उसकी बहन की सगाई है। हाँ, कितनी देर में आ रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? रघु से मिलकर सच्चाई जानने की मेरी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। लगता है अभी सच्चाई के सामने आने का वक्त नहीं आया है। पापा। हाँ बेटा। देखिए ना पापा, कैसी लग रही है मेहंदी। बहुत प्यारी लग रही है बेटा। पापा, क्या हुआ? पापा, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूं कि छप छप ये मेहंदी किसी बेटी के हाथ में सजाई गई है तो उसके हाथों को तो रंगों से सजा देती है, लेकिन उसके माँ बाप की जिंदगी को सुना कर देती है। एक तरफ उन्हें खुशी होती है अपनी बेटी के घर बसने की, और एक तरफ उन्हें गम होता है कि उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है। समझ में नहीं आता बेटा, वो अपनी जिंदगी में खुशी आने की खुशी मनाए या अपने बेटे के जाने का दुख।
क्या क्या कर रही हो तुम? उठकर हाथ नहीं धो सकती? चिप चिप, come on, go and wash your hands, please. नहीं दक्ष, आज मैं अपने हाथों को पानी में नहीं छुआ सकती। आप शायद नहीं जानते, पर कहते हैं मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता है, पति का प्यार उतना ही पक्का होता है। और जब तक मैं अपने हाथों पर पानी नहीं लगाऊंगी, मेहंदी का रंग और भी गाढ़ा होता जाएगा। इसलिए आज मैं अपने हाथों पर पानी नहीं लगाऊंगी। Very funny. Tell you something, ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिर पति का प्यार का मेहंदी के रंग से क्या लेना देना? आपके लिए शायद ये सब फालतू होगा, पर मेरे लिए, मेरे लिए तो मेरी जीने की वजह है ये। Forget it, man. अभी कहाँ इस अनु की बात में आ गया? क्या बात है मेरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं है, बस अनुपमा के बारे में सोच रही थी। क्यों, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की उसने? प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सोच रही थी वो। प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में? मतलब? मतलब यही कि आज सुबह जब मैंने उसे देखा, वो बार बार दरवाजे के बाहर देख रही थी, जैसे उसे कहीं बाहर जाना हो। उसने मुझे बाहर जाने के लिए पूछा भी, लेकिन मुझे उसका बाहर जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए कोई बहाना बनाकर मैं भी उसके साथ बाहर चली गई। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि अनुपमा को शायद अच्छा नहीं लगा मेरा उसके साथ बाहर जाना। तब से मैं परेशान हूँ और बार बार यही सोच रही हूँ कि आखिर उसे जाना कहाँ था, क्या काम था उसे। आई थिंक तुम यही गलती की, ना तुम उसके साथ जाती ना उसे रोकती, बस पीछा करती, देखती वो कहाँ जाना चाहती है, किससे मिलना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुढ़िया की तरह इसका भी कोई शुभचिंतक पैदा हो गया हो जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आइंदा मैं अनुपमा मुझसे जब भी पूछेगी कहीं जाने के लिए, मैं उसे रोकूंगी नहीं। वो जहाँ जाना चाहेगी जाएगी, जो करना चाहेगी करेगी, बस मेरी नजर हमेशा उसका पीछा करती रहेगी। अब तक तो अन्नू रघु से मिल चुकी होगी और रघु ने उसे सारी सच्चाई बता दी होगी। बस मीरा, बहुत सहली मैंने तेरी ज्यादतियां, अब बारी तेरी है, तैयार रहना अपने पापों की सजा भुगतने के लिए। अगर मैंने अभी अनु से कुछ कहा तो मेरा सारा खेल बिगड़ सकता है,
इसलिए इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है। अनुपमा, जाना नहीं है क्या? तुम्हारे पापा कब से इंतजार कर रहे होंगे हम सबका। चलो जल्दी करो। देखिए भाई साहब, बातों बातों में मेन बात तो रहेगी, आपके दामाद साहब किधर है? ये तो बात ये हो जाएगी कि गंगा दर्शन के लिए आए और चल दिए बिना नहाए। अभी मिलवाते हैं। ईशान बेटा। जी यहाँ मैं आ रहा हूँ। अरे भैया, अभी आप लोग कब आए? मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा, आपकी नजरें रिधिमा की ओर से हटेगी तो पता चलेगा ना। बच्चों को तो छोड़ दिया कीजिए। देखिए मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे मजाक करूं, इसलिए बच्चों से काम चला रहता। अच्छा बेटा सुनो, आज से सही मायने में तुम्हारी जिम्मेदारियां शुरू होने जा रही हैं। हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि तुम हमारी बेटी को ससुराल में मायके की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दो। मैं वादा करता हूं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे ईशान, कहाँ रह गए भाई? मेरे दोस्त। हाँ बेटा तुम जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। भाई विक्रम साहब, आप बेटियों के मामले में किस्मत के धनी हैं। क्या समझदार और सुशील दामाद मिला है। वाह, क्यों मेरा? हाँ भाई साहब, आपका दामाद सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी हीरा है। क्या क्या सोचा था, क्या क्या अरमान थे अपनी बेटी के लिए, मगर इसे पूरी दुनिया में से यही कंगाल मिला शादी करने के लिए। और बाकी सबको देखो कैसे खुश हो रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं मेरी बेटी की बर्बादी पर। राम राम राम। माया पुत्र, अपना ये बड़बड़ करना जरा बंद कर दे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, सावन के ब्लाइंड को हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन नजर आता है। आहा। रिधिमा पहनाओ। We'll be right back.
अच्छा हो गया, आपकी बेटी की सगाई भी इतनी अच्छी तरह से हो गई, इतनी धूमधाम से, और दामाद भी इतना अच्छा मिल गया आपको। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बहन जी। एक बाप को हमेशा ये चिंता रहती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा और समझदार जीवन साथी मिले। परेशान में ये सब खूबियां पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। जी हाँ भाई साहब, अब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से निश्चिंत हो जाइए। बड़ी बेटी तो शादी करके अपने ससुराल में खुश है, पर छोटी की भी डोली उठने वाली है। अब आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। बस मुझे तो इंतजार है कि कब रिद्धिमा की डोली इस घर से उठेगी। मेरा बातें करती रहोगी, घर जाने का इरादा नहीं है। अरे घड़ी में टाइम देखो क्या हो रहा है। बातों बातों में तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा भाई साहब इजाजत दीजिए, आप अपने मेहमानों का ध्यान रखिए, हम लोग चले जाएंगे। जी गले तो मिले। थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। आप आइए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ दरवाजे तक। सुनो दक्ष, तुम अनुपमा का ख्याल रखना। रघु के हादसे के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा है कि फिर से उसने कुछ अनुपमा को चोट पहुंचाई तो। भाभी आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ कोई अनुपमा का बाल भी भांका नहीं कर सकता। ओके चले। अरे नहीं बेटा, तुम जाके अनुपमा का ध्यान रखो। जाओ जाओ, हम चले जाएंगे। बाय। चलिए। इशारे करते क्या लोगों? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सालों की मेहनत पर तुम लोग पानी फेर दोगे? मैं इस प्रॉपर्टी को अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूंगा बुढ़िया। इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया, बहुत खून बहाया। मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे जाने नहीं दूंगा बुढ़िया। अरे तू तो कभी भी मर सकती है। इस अनु के बारे में तो सोच, जिस बिचारी की अभी अभी शादी हुई है, हाथ की मेहंदी तक नहीं सूखी उसकी। अगर उसे कुछ हो गया तो तू क्या अपने आप को माफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं तुझे, तू मेरी दादी है। देख बुढ़िया, मैं तुझे समझाने आया हूं कि अभी भी वक्त है सुधर जा, तो हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे मार देंगे। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू saharaone.in, लाइक अस ऑन facebook.com/saharaone.tv, Follow us on twitter.com/saharaonemedia. For more updates, log on to saharaone.in. Like us on facebook.com/saharaonetv. Follow us on twitter.com/saharaonemedia.